करते हैं अब بي टी एस टी एस टी बी टी ट्रेड लेना शुरू करते हैं गाबा सर क्या कैरी करें कल के लिए परसों के लिए बिल्कुल मुझे अपमो लगता है परसों उसके लिए स्टॉक है इंडिया सीमेंट ट्रेड कर रहा है 324 पर स्टॉक होगा 317 का एंड मेरे ख्याल से टारगेट करीब होगा 335 340 सो इंडिया सीमेंट तेजी है हम्म तेजी है एक बार चेक कर लें बैन में तो नहीं है कहीं ये कई बार ये गाबा सर बैन में है तो कैश में कैरी करें नहीं अभी दूसरा शॉट देता हूं हां बिल्कुल

इसके फ्यूचर में एम्फेसिस और एम्फेसिस अठाई सौ तीन पे डे हाई पे और जाके क्लोज होता हुआ और दो डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर लाल पेथल इनको भी अगर आप देखें कैरी किया गया कल के लिए अब आते हैं रणनीति पर इट्स टू फोर सिक्स जीरो टू ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक वही अगर आप देखें उस रेंज के बीचों बीच अनुज अप्रोच क्या रहेगी और क्योंकि कल की छुट्टी है तो आई थिंक हमें एक दिन के ग्लोबल मार्केट्स के को भी गुरुवार की सुबह सुबह फेस करना पड़ेगा क्या अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पर देखिए मेरी अप्रोच कॉमन सेंसिकल रहेगी वीरो और कॉमन सेंस ये कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई गैप डाउन मिले ठीक और अगर मिल भी गया तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी तो इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेकर लॉन्ग कैरी करें और वैसे भी जब मैंने स्ट्रैटी भेजी थी तब हम चौबीस छः सौ चालीस के करीब थे पिछले कुछ मिनटों में एकदम से एक निफ्टी में एक हल्का सा मिनी कोलैप्स आया कोई दिक्कत नहीं है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी थोड़ा सा रिलायंस गिरा उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजिशन कैरी करें चौबीस छः के ऊपर ही बंद हो रहे हैं हम और आज का लो फिर कल के लो से बेटर है भले ही चालीस पचास पॉइंट से बेटर है लेकिन बेटर तो है अब थर्सडे को अगर गैप अप हुआ तो आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट होकर हो जाएगा आजकल लो चौबीस पाँच सौ सतासी मतलब चौबीस छः सौ के आसपास का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा इन दैट केस बैंक निफ्टी को लेकिन अवॉइड करना है बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा ये आपको तंग करने के मूड में है लेकिन जिस दिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा ना उस दिन सीधा हज़ार पॉइंट की रैली होगी बैंक निफ्टी में लेकिन दिक्कत क्या है हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें